हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानव प्रेर। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप किस तरह से आप किसी भी एंड्रॉइड फोन के अंदर गूगल कैमरा 6.3 को इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे पास है दोस्तों रेडमी नोट 4। इसके अंदर मैं गूगल कैमरा 6.3 को इंस्टॉल कर चुका हूँ। अगर आप गूगल कैमरा 6.3 को इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो वहाँ पर जाके आप गूगल कैमरा 6.3 को इंस्टॉल करके देख सकते हो। आपको बता दूँ जो गूगल कैमरा 6.3 है दोस्तों एंड्रॉइड क्यू से लिया गया है। एंड्रॉइड क्यू का जो बीटा 5 रिलीज हुआ है उससे लिया गया है। शायद आपके डिवाइस पर चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। मेरे पास है दोस्तों एंड्रॉइड 9। मेरे डिवाइस पर चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। यूजर इंटरफेस की बात करें, मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ यूजर इंटरफेस। वेरी सिंपल है दोस्तों, जीकैम का 6.1 और जीकैम का 6.2 का सभी फीचर आपको मिलता है जीकैम 6.3 के अंदर। जीकैम 6.3 के अंदर आपको नया क्या मिलता है इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप जरूर से चेकआउट कर लेना। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अगर मैं एक राफली चीज बताऊँ, जो नाइट स्लाइड फीचर है दोस्तों, जो आपको पहले मिलता था मोड के अंदर दोस्तों, उसको आपको हटा के यहाँ पर मेन मेनू के अंदर आपको नाइट स्लाइड फीचर मिल जाएगा। जो नाइट स्लाइड फीचर है वो मेन मेनू के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस पर्टिकुलर दोस्तों जीकैम के अंदर जीकैम 6.2 का बहुत सारा वर्सन अवेलेबल है नेट के अंदर। मेरे रेडमी नोट 3 के अंदर दोस्तों जो जीकैम मैंने इंस्टॉल किया है, इस पर्टिकुलर जीकैम के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है दोस्तों काम नहीं कर रहा है। जीकैम 6.3 का जो बिल्ड आया है दोस्तों, अभी के लिए अर्ली बिल्ड आप कह सकते हो, अल्फा बिल्ड भी कह सकते हो। जब और नया नया वर्सन अवेलेबल होगा, नया नया पोर्ट अवेलेबल होगा, तो दोस्तों ये जो जीकैम है वो स्टेबल हो जाएगा। अभी के लिए जो जितने भी जीकैम 6.3 का एपीके अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इंटरनेट के अंदर, वो सभी अल्फा बिल्ड है, पहला वाला बिल्ड है। सभी फोन के अंदर काम नहीं भी कर सकता है और आपको परेशानी दे सकता है। जैसे कि मेरे इस पर्टिकुलर गूगल कैमरा के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है वो नहीं है। एनीवे, बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आपको 60 FPS का भी सपोर्ट मिलता है वीडियो के अंदर, और यहाँ पर आपको टाइम लैप्स का भी मोड मिल जाता है। आप 6 पॉइंट गूगल कैमरा का जो 6.2 है उसके अंदर जो टाइम लैप्स है दोस्तों वो आपको मिलता है जीकैम 6.3 के अंदर। पैरोरामा तो है ही है, फोटो स्पेयर है, स्लो मोशन है, लेंस है, और यहाँ पर आपको सीरीज के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलता है, डार्क ऑटो लाइट, यह सब चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपका एक्सपोज के लिए अलग दिया गया है। एडवांस के अंदर चलते हैं, यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा डिवाइस है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने बताया एंड्रॉइड क्यू का बिल्ड है, एंड्रॉइड क्यू बीटा 5 का बिल्ड है। पिक्सल का दो फोन आ सकता है, पिक्सल 4 और पिक्सल 4 XL। क्या नाम हो सकता है, कोडनेम क्या हो सकता है, वो भी यहाँ पर दिखा दे रहा है। काफी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। पोर्ट्रेट मोड के लिए अलग से ऑप्शन है, लाइव फोटो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप रॉ पिक्चर को क्लिक कर पाओगे, लॉन्ग टैप ओपन करके दिया हुआ है। यहाँ पर आप आईएसओ को सिलेक्ट कर सकते हो, डिजेबल जूम कर सकते हो, डार्टी लेंस की वार्निंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। बाकी यूजरली जिस तरह से मिलता है, यहाँ पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया गया है 30 FPS के अंदर, 60 FPS ये पर नहीं है। आप चाहो तो 4K टाइम लैप्स वीडियो को भी रिकॉर्ड कर पाओगे इस पर्टिकुलर जीकैम के थ्रू, और आप चाहो तो स्टोर वीडियो इफेक्टिवली इस पर्टिकुलर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपका जो वीडियो है दोस्तों उसका साइज थोड़ा सा लो हो जाएगा, क्वालिटी भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को स्टोर कर पाओगे। यहाँ से हम इसको लाइट कर देते हैं, उसके बाद बैक आते हैं, उसके बाद कैमरा रीस्टार्ट होता है, हो जाने के बाद सीरीज से चलते हैं। कुछ इस तरह से आपको व्हाइट इंटरफेस मिलता है। बेसिकली ये जो एपीके है दोस्तों, अभी के लिए बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज के अंदर है। सभी एपीके आपके डिवाइस पर काम नहीं करेगा। मैंने और एक एपीके को इंस्टॉल करने की कोशिश किया था दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर से दिखा देता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं इस पर्टिकुलर एपीके को इंस्टॉल करने की कोशिश किया था मेरे डिवाइस के अंदर, पर दोस्तों इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। और एक एपीके दोस्तों P3 करके, जीकैम P3, इसके भी अंदर दोस्तों आपको गूगल कैमरा 6.3 का सभी फीचर मिल जाता है, नाइट स्लाइड है, फोटो स्पेयर है, फोटो बूथ है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है। ये पर्टिकुलर दोस्तों अगर आपके डिवाइस के ऊपर जीकैम 6.3 काम नहीं कर रहा है, पर अगर आप जीकैम 6.3 का सभी फीचर यूज करना चाहते हो, तो दोस्तों आप ये जो P3 है दोस्तों, P3 जीकैम का एक ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो, P3 को यूज करो, आप जीकैम 6.2 के अंदर सभी फीचर को यूज कर पाओगे। जीकैम 6.3 का जितने भी फीचर है दोस्तों P3 गूगल कैमरा के अंदर आपको मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर गूगल कैमरा जीकैम 6.3 का ऑल्टरनेटिव आप कह पाओगे। यहाँ पर आपको एडवांस के अंदर मिलता है ऑप्शन P3 मोड सीरीज के अंदर, आपको जैसे कि मैंने बताया लॉन्च के अंदर आप यहाँ से नाइट स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हो। जब भी आप कैमरा ओपन करोगे ऑटोमेटिक नाइट स्लाइड के अंदर चला जाएगा, और 4K टाइम लैप्स आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड इस पर्टिकुलर एपिक के अंदर दिया गया है, आप इंक्रीज कर सकते हो ट्राइपॉड कैप्चर टाइम को, मैनुअल एक्सपोज के लिए दिया गया है, सुपर रेस ऑलवेज ऑन का टेक्नोलॉजी इसके अंदर दिया हुआ है, P3 कलर स्पेस को आप यहाँ से डिस्प्ले के अंदर ऑन भी कर पाओगे।
बेसिकली तीनों गूगल कैमरा जीकैम का एपीके मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। सो गूगल कैमरा 6.3 का बेस्ट एपीके जो मार्केट के ऊपर अवेलेबल है, जो भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से आप डाउनलोड कर लो गूगल का 6.3 का एपीके। सो मैं जल्दी से कुछ पिक्चर को क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर HDR मोड है, पिक्चर क्लिक हो गया, नाइट सेट के साथ क्लिक करते हैं। सो आपके सामने मैं लाइव यहाँ पर कर रहा हूँ दोस्तों। सो नाइट मोड भी क्लियर हो गया। सो हम यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलता है, फ्रंट कैमरा से ट्राई करते हैं। सो मेरा जो फ्रंट कैमरा है थोड़ा सा ब्रोक हुआ है, तो इसलिए दोस्तों आपको कुछ इस तरह से फ्रंट कैमरा के अंदर मिलता है सेल्फी। मेरा जो फ्रंट कैमरा है यहाँ से ब्रोक हो गया है, तो इसलिए फ्रंट कैमरा को छोड़ दो। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको मिलता है दोस्तों नाइट साइड फीचर, उसके बाद आपको मिलता है HDR के साथ इंडोर लाइटिंग कंडीशन के अंदर पिक्चर को मैंने क्लिक किया है पर्टिकुलर पिक्चर। सो यहाँ पर आपको दोस्तों डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ पाओगे। सो जैसे कि आपने देखा है जो APK है डेली लाइफ के लिए अभी भी स्टेबल नहीं है, पर अगर आप GCam 6.3 का फीचर यूज करना चाहते हो तो जरूर से इस APK को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देख लो अपने डिवाइस के अंदर। सो अगर आपके डिवाइस पर काम कर रहे हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, अगर काम नहीं कर रहा है तो भी हमें कमेंट करके बता दो। एनीवे अगर आपको वीडियो पसंद आया जरूर से इस वीडियो को लाइक करना है, सर के और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।